संसद में आपने बड़े बड़े वादे किए थे, हम यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, इंडस्ट्रियां लाएंगे, यहाँ के अस्पताल दुनिया के बनेंगे, यहाँ एजुकेशन सेक्टर अपलिफ्ट होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। और अब आपको आप चाहते हो कि लोगों को ये यूटी हम हजम करवाएं? हमें नहीं चाहिए ये यूटी। ये आपका यूटी दिवस, आपको जाओ गुजरात को यूटी बना के फिर वहां दिवस मनाओ। हमें यहाँ यूटी नहीं चाहिए। आप होते कौन थे हमारी हिस्टोरिकल रियासत का दर्जा छीनने वाले? हमारी स्टेट का बाशिंदा कोई ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर यूटी रहे। इस बीजेपी सरकार ने हमारी रियासत के दो हिस्से किए, उसके बाद यहाँ यूटी बनाई। आज उन्होंने जगह जगह काले पट्टे जो आप सर पे देखे, यूटी दिवस मनाना शुरू किया हुआ है। ये इस बात की अकासी है कांग्रेस कि जो 5 अगस्त 2019 को नजर आई, अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने बिल लाया था पार्लियामेंट के अंदर, और इस खूबसूरत रियासत को, इस हिस्टोरिकल रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया था, और यह वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के, यहाँ लोगों की 100 साल की गिरदवारियां खत्म कर दी। यहाँ पे जो इन्होंने वादे किए थे, वापस दो हमारी स्टेट, वापस दो हमारी स्टेट, वापस दो रियासत का दर्जा, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो रियासत का दर्जा, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो रियासत का दर्जा, बहाल करो। सारा बिजनेस इन लोगों ने ठाक किया, कौन से बेमिसाल, ना डेवलपमेंट, ना बिजनेस, ना एम्प्लॉयमेंट, ना कुछ हुआ, तो बेमिसाल। ये तो ढोंगी है ना, इनको झूठ बोले, इनका हेड जो है ना मोदी जी, वहां से नीचे तक इनको झूठ बोलने की आदत है, वही झूठ है नीचे तक। स्टेट फूड की डिमांड कर रहे हैं और कोई भी आदमी किसी भी जिले का, किसी भी तहसील का, किसी भी गांव का, और हमारी स्टेट का बाशिंदा कोई ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर यूटी रहे। इस बीजेपी सरकार ने हमारी रियासत के दो हिस्से किए, उसके बाद यहाँ यूटी बनाई। 4 साल इन्होंने यूटी दिवस नहीं मनाया, 5वें साल से अब लोगों को बोल रहे हैं चलो जी यूटी दिवस मनाएंगे। यूटी में बड़ा तूफान हुआ, यहाँ मुलाजिम लग गए, यहाँ डेवलपमेंट हुई। अरे भाई कौन सा मुलाजिम लगा? जो रियासत 16वें नंबर पे थी अनएम्प्लॉयमेंट में, वो आपने 1 नंबर पे पहुंचा दी। जिस रियासत में आपने बड़े बड़े वादे किए थे, हम यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, इंडस्ट्रियां लाएंगे, यहाँ के अस्पताल दुनिया के बनेंगे, यहाँ एजुकेशन सेक्टर अपलिफ्ट होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। और अब आपको आप चाहते हो कि लोगों को ये यूटी हम हजम करवाएं? हमें नहीं चाहिए ये यूटी। ये आपका यूटी दिवस, आपको जाओ गुजरात को यूटी बना के फिर वहां दिवस मनाओ। हमें यहाँ यूटी नहीं चाहिए। आप होते कौन थे हमारी हिस्टोरिकल रियासत का दर्जा छीनने वाले? ये मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारा धरना है सरकार के उस कदम के खिलाफ जो उन्होंने यहाँ यूटी दिवस मनाना शुरू किया है। आपकी यूटी हमें जरूरत नहीं है, इसको आप गुजरात ले जाइए, हमें जरूरत नहीं है।